अब आपको आज की एक और बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आज भारत वैक्सीन की सबसे ज्यादा डोज लगाने वाला दुनिया का नंबर एक देश बन गया है। अब तक अमेरिका इस मामले में सबसे आगे था, लेकिन अब भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी तक कोरोना वैक्सीन की 32,36,63,297 डोज लगाई जा चुकी हैं, जबकि अमेरिका में 32,33,27,000 डोज लगाई गई हैं। तो पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर अब अमेरिका है, और तीसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, और चौथे नंबर पर इस मामले में जर्मनी है। भारत का आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां टीकाकरण अभियान अमेरिका के मुकाबले लगभग एक महीने बाद शुरू हुआ था। अमेरिका में वैक्सीनेशन 14 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था, जबकि भारत में ये इस साल 16 जनवरी को शुरू किया गया था। 16 जनवरी से 20 जून तक देश में वैक्सीन की करीब 27.6 करोड़ डोज दी गई। ये डोज 5 महीने में लगाई गई हैं, और इसके बाद 21 जून से केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों से पूरी तरह अपने पास ले ली, और 21 जून से कल यानी 27 जून तक देश में वैक्सीन की करीब 4.30 करोड़ डोज, 4,30,00,000 डोज लगाई जा चुकी हैं। इसमें 21 जून को सबसे ज़्यादा करीब 86,00,000 लोगों का को वैक्सीन दी गई, यानी एक दिन में सबसे ज़्यादा लोगों के वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भारत में ही बना है। और पिछले 7 दिनों में कल सबसे कम करीब 17,00,000 लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई। कुल मिलाकर आज की बड़ी खबर यह है कि भारत ने अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, और इतने समय में सबसे ज़्यादा डोज लगाने वाला भारत दुनिया का अब नंबर एक देश इस समय बन चुका है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.